हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज सुशील कुमार इन फ्रंट ऑफ यू। और आज के इस छोटे से एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की। सो देखिए, आपको हमेशा रहता है कि इस मैथ्स का क्या रोल है रियल लाइफ में। इस मैथ्स का बहुत रोल है रियल लाइफ में। तो यहाँ पे आप इस एक ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जिससे कि हम विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट किसी भी आप टावर का हाइट निकाल सकते हैं, विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट किसी भी आप रिवर का विड्थ निकाल सकते हैं, विदाउट एक्चुअल मेजरमेंट आप किसी भी रोड का विड्थ निकाल सकते हैं। आपको रिवर के दोनों साइड, दोनों एजेस पे जाने की जरूरत नहीं है, एक साइड खड़े ही आप उसका रिवर का विड्थ को मेजर कर लेंगे। देखिए, इस तरह के एप्लीकेशंस क्वेश्चंस आप इस एपिसोड में आज सीखने वाले हैं। तो ये हमारी है एक्सरसाइज 9.1 और मैं सुशील कुमार आपके सामने आज के इस एपिसोड की बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट आपको सीखने मिलेंगे। देखिएगा, 9.1 एक्सरसाइज जो आपकी है, बेसिकली दिस इज द चैप्टर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो यहाँ पे आपको कुछ चीजें वही बेसिक कनेक्ट करनी है जो कि आपने चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में सीखी है, उसी के बेस पे हम इसकी एप्लीकेशन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, राइट? सो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर वन में आगे बढ़ने के लिए हम देखेंगे कि क्या करना है आपको। सबसे पहले आपको एक मेन बात आपको ध्यान रखनी है, क्या है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल एंड सोना सोना चांदी तोल, राइट? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, इसको आपने ध्यान में रखना है। बस पूरे की पूरी कहानी जो है, पूरी की पूरी इस चैप्टर की स्टोरी जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पे टिकी हुई है, राइट? और ये चैप्टर एनसीईआरटी से सोल्व करने के बाद कुछ आपको मैं लास्ट फाइव ईयर्स के बेस्ट क्वेश्चन का भी एक वीडियो दूंगा, तो देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब पे इसी तरीके से। तो देखिएगा, सबसे पहला जो रिलेशन होता है मेरे साथ वो क्या होता है आपका, साइन थीटा, एस फोर साइन थीटा, दिस इज कॉल्ड साइन थीटा, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड साइन थीटा। सेकंड जो मेरे पास रिलेशन होता है, पी बाय एच दैट इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज इज कॉल्ड सी फोर कोस थीटा, राइट और नॉट? आपको ध्यान में रहेगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। ओके, सी वन देखिएगा, पी बाय बी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, अगर ये रिलेशन में लगाऊंगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, टेन थीटा। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन में क्या ध्यान करना है कि एक पार्ट तो आपको गिवन होगा, ऑलवेज यहां राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगी, राइट एंगल ट्रायंगल की तीन एजेस में, तीन साइड्स में से आपको एक साइड क्वेश्चन में गिवन होगी और बाकी की या तो एक निकालनी होगी या आपको दो निकालनी होगी जो मिसिंग होगी, राइट और नॉट? सपोज ये आपके पास टावर है, पोल है, कुछ भी है, सो यहां से ये आपको गिवन है तो आप टावर की हाइट निकाल सकते हो, डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम से आपके डिस्टेंस या इस पॉइंट तक ये डिस्टेंस गिवन है तो आप पोल की हाइट निकाल सकते हो, इस तरीके से। तो आपको यहां से वो रिलेशन चूज करना है, कैसा रिलेशन, कि एक पार्ट गिवन है। सपोज यहां पे इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि मुझे क्या गिवन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, सर्कस आर्टिस्ट जो यहां से चढ़ रहा है इसके ऊपर यहां तक उसको जाना है, दिस इज 12 मीटर लॉन्ग और इसमें कोई भी मतलब टोटली टाइटली स्ट्रेस है, इसमें कोई डेरापन नहीं है, ठीक है। सो यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द पोल, आपको पोल का हाइट फाइंड आउट करना है, मीन यू हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू, राइट और नॉट? दिस इज, यू कैन टेक दिस एक्स, नॉट अ प्रॉब्लम, अगर आप एक्स नहीं भी लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उसको ए भी कंसिडर कर सकते हैं। ओके, सो देखिएगा यहां पे, अब देखिए आपको क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है, आपको हाइपोटेन्यूज गिवन है और आपको परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। तो आप मुझे ये बताइए यहां पे हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में तो फर्स्ट रिलेशन है मेरे पास पी बाई एच, राइट और नॉट? क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, आई एम राइटिंग हियर सॉल्यूशन पार्ट इज इक्वल टू, मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा होता है, राइट और नॉट? अब परपेंडिकुलर आपके पास क्या है, परपेंडिकुलर मेरे पास ए बी है अपॉन 20 मीटर्स, परपेंडिकुलर मेरे पास है ए बी, ए बी दिस इज परपेंडिकुलर बाय माय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज ए सी, हाइपोटेन्यूज इज ए सी इज इक्वल टू साइन, व्हाट इज द साइन, दिस इज द साइन थीटा, एंगल इज गिवन 30 डिग्री, राइट और नॉट? इसने कहा है कि रोप विद द ग्राउंड लेवल 30 डिग्री एंगल बनाती है, तो आपको मैंने लास्ट चैप्टर में आपको एक सिखाया था कि जिस लाइन के साथ एंगल बनता है वो लाइन आपकी क्या बन जाती है, बेस बन जाती है।
और दूसरी लाइन फिर क्या होगी, दूसरी जो साइड होगी वो क्या होगी ट्रायंगल की, वो परपेंडिकुलर बन जाएगी। ठीक है, तो यहां पे यहां आपके पास एंगल है, तो ये मेरा बेस हो गया, ये बेस है तो ऑब्वियसली दिस इज परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो आपके पास ऑलवेज 90 डिग्री एंगल के सामने वाली साइड जो होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज होती है, राइट। सो यहां पे ये मेरे पास साइन कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब यहां पे आपको छोटी सी बात और आ गई कि ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपको वैल्यू सब लर्न होनी चाहिए। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, कैसे आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल को विद इन 2 मिनट्स आप बना सकते हैं अपनी शीट पे जहां पे आप क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको कोई भी वैल्यू लर्न रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिएगा AB by AC, AB आपके पास कितना है, AB तो आपको फाइंड आउट करना है, आपने उसको x कंसीडर किया है, या x ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। AC आपने 20 ले लिया है, दिस इज 20 मीटर, इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30, साइन 30 का वैल्यू मेरे पास होता है 1/2, वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, देखिए x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 ऊपर चला जाएगा, यानी x इक्वल टू आपके पास आ गया 20 मीटर/2, यानी कि x आपके पास आ गया 10 मीटर, राइट और नॉट, यानी कि हाइट ऑफ द पोल इज, आप लिखेंगे आंसर, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। तो पोल का हाइट कितना हो गया आपके पास, दिस इज 10 मीटर। सो इस तरीके से देखिए, सबसे पहले आपको टारगेट करना है कि क्या आपको फाइंड आउट करना है और क्या आपको गिवन है, बस उन दोनों का रिलेशन जो है वो मेरे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कौन सा सेट बन रहा है, सिंपल, सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। ओके, और एनसीईआरटी क्वेश्चन करने के बाद मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज में देने वाला हूं, एक प्रैक्टिस को एक क्रैश कोर्स आपको दूंगा, उसमें आपको लास्ट 5 ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 इन फ्रंट ऑफ यू क्या है, यहाँ पे कहानी है एक ट्री की जो कि स्टॉर्म के कारण टूट गया है, और आपको टूटे हुए ट्री की टोटल हाइट निकालनी है, यानी कि आपको जो स्टैंडिंग पार्ट है वो भी फाइंड आउट करना है और आपको जो पार्ट टूट चुका है वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए टूटा हुआ पार्ट ही क्वेश्चन में बता रहा है कि टूटा हुआ जो पार्ट है वो इस तरीके से गिरता है ग्राउंड पे, देखिएगा डायग्राम में कि ये टोटल हाइट ऑफ द ट्री वॉज, इट वॉज, सो ये वाला इतना पार्ट जो है ये टूट के जमीन पे इस तरीके से गिर गया है और इसने यहाँ पे 30 डिग्री एंगल कंस्ट्रक्ट किया है। तो आप इसको डॉटेड रखिए, ये डार्क करेंगे हम, ये हमारा ट्रायंगल हो गया। यू हैव टू फाइंड आउट दिस हाइट एंड दिस हाइट, ये दोनों डायमेंशन आप फाइंड करके प्लस करेंगे, दैट विल बी द टोटल एक्चुअल हाइट ऑफ द ट्री, यानी कि टोटल हाइट ऑफ द ट्री आपके पास क्या रहेगा, मैं यहां पे लिखता हूं टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या रहेगी आपके पास, इज इक्वल टू AC + BC, AC और BC, यदि AC और BC दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास टोटल हाइट ऑफ द ट्री आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं 1/1 हमें दोनों ही फाइंड आउट करने हैं, तो पहला रिलेशन हम लेंगे परपेंडिकुलर और बेस में, दूसरा रिलेशन हम लेंगे हाइपोटेन्यूज और बेस में। अब देखिएगा आपके पास होता है कॉन्सेप्ट पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो आपके पास 3 रिलेशन होते हैं। सो देखिए फर्स्ट रिलेशन मैं यहां पे लेता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कोई रिलेशन बनता है, हाँ जी बनता है, मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस में रिलेशन होता है मेरे पास 10 थीटा, राइट और नॉट। सो इस ट्रायंगल में क्या क्या करूंगा, बीसी अपॉन बेस हो गया AB, बेस हो गया AB इज इक्वल टू, पर ये क्या होता है मेरे पास 10 थीटा, क्या होता है 10 थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस ये कैसे हुआ क्योंकि एंगल यहां पे है, जिस लाइन पे एंगल होगा उसको आपने बेस रखना है, ये मैं पहले आपको समझा चुका हूं पीछे की वीडियोस में बहुत डिटेल से। अब देखिए बीसी आपके पास है नहीं तो मैंने यहां बीसी रखा, AB आपके पास 8 मीटर है और इज इक्वल टू व्हाट इज द 10 वैल्यू ऑफ थीटा, दैट इज 10 30 डिग्री, ये आपके पास 10 30 डिग्री हो गया। अब 10 30 की वैल्यू आपके पास होनी चाहिए, 10 30 का जो वैल्यू होता है दोस्तों वो आपके पास 1/√3 होता है, बीसी अपॉन 8 मीटर इज इक्वल टू 1/√3, तो यहां से आपके पास बीसी क्या आ गया, बीसी आ जाएगा आपके पास 8 मीटर/√3, 8 मीटर/√3, ये आप इसको होल्ड कर लीजिए यहां पे। अब हम चलते हैं दूसरे रिलेशन में, अच्छा इसकी अभी हमें जरूरत पड़ने वाली है, पंडित बद्री प्रसाद जी को इरेज नहीं करते अभी हमें दूसरा रिलेशन देखना है कि हम कौन सा बनाएंगे। सो देखिएगा अब हमें रिलेशन लेना है हाइपोटेन्यूज और बेस में,
तो हाइपोटेन्यूज और बेस में कौन सा रिलेशन होता है मेरे पास, दैट इज कोस थीटा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज रखना है आपको। नाउ आप क्या रखेंगे, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि बेस ए डैश बी, ए डैश बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए डैश सी इज इक्वल टू कोस थीटा, राइट और नॉट। अब देखिए ए डैश बी आपके पास क्या है, ए डैश बी आपके पास 8 मीटर है, दिस इज 8 मीटर बाय ए डैश सी, ए डैश सी तो आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू कोस 30 डिग्री, राइट। अब मेरा इसका रूल खत्म हो गया, मैं इसको यहां से इरेज कर देता हूं। अब देखिए यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दीजिएगा, 8 मीटर डिवाइडेड बाय ए डैश सी इज इक्वल टू, मैं इसको यहां पे लिखता हूं टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू, और ये हम एरिया इसके लिए कवर कर देते हैं, ए डैश इज कोस 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 30, अब कोस 30 का वैल्यू मेरे पास होता है अंडर रूट 3 बाय 2, राइट और नॉट। सो यहां से आपके पास ए डैश सी क्या आ जाएगा, ए डैश सी का आपके पास वैल्यू आ जाएगा जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 मीटर बाय अंडर रूट 3, यानी कि आपके पास इन दोनों का वैल्यू आ गया ए डैश सी और बी सी, ए डैश सी और यहां आपके पास वैल्यू आया था बी सी का, और ये ए डैश सी का वैल्यू, अगर दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे हाइट मिलेगा ट्री का, राइट और नॉट। ए डैश सी कितना है आपके पास 16 बाय अंडर रूट 3 प्लस दिस इज 8 बाय अंडर रूट 3, तो जब आप दोनों को प्लस कर रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 24 बाय अंडर रूट 3। अब मेरे पास जो एक्चुअली जो हाइट ट्री का है, मैं किसी भी एक्सप्रेशन में एंड में जाके आपको इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, उसको कैंसिल आउट कर देना है, तो हम रेशनलाइजेशन करेंगे रूट 3 का, तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 से ही डिवाइड कर दो, ठीक है। तो यहां पे क्या बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप मेरा, 24 अंडर रूट 3 बाय 3 हो जाएगा, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 3 रूट 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा मेरे पास, 3 1 जा 3 3 8 जा, तो आपके पास हाइट ऑफ द ट्री क्या आ जाएगा 8 अंडर रूट 3 इज द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहां पे एक कॉन्ट्रैक्टर की बात हो रही है बच्चों के लिए स्लाइड्स बनाने की, पार्क में आपने देखा हो बच्चों के लिए स्लाइड्स होती है, तो वहां पे भी आप देखेंगे राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है, तो अगर आपको उस स्लाइड की इस वाले पोल की हाइट अगर पता होगी और आपको ये एंगल पता होगा तो आप इस स्लाइड की लेंथ बिना मेजर किए फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया यहाँ पे एप्लीकेशन, राइट और नॉट। सो इस टाइप के यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर दो सेट बने हुए हैं, केस वन और केस टू, एक छोटे बच्चों के लिए एक उससे थोड़े से बड़े बच्चों के लिए। तो पहले केस में ये कह रहे हैं कि जो 5 ईयर्स के स्टूडेंट हैं बच्चे हैं उनके लिए 1.5 मीटर जो हाइट है उस पोल की वो है, दिस इज 1.5 मीटर हाइट, राइट और नॉट। मैं इसको ट्रायंगल को ए बी सी नेम दे देता हूं जो कि बी एंगल पे 90 डिग्री है, और यहां पे इसको हम पी क्यू आर नेम दे देते हैं, ये बड़े वाले बच्चों का ट्रायंगल हो गया यानी कि स्लाइड हो गया, ओके। चलिए यहां पे इतना काम फिनिश हुआ, उसके बाद कह रहा है कि 1.5 मीटर हाइट है और जो स्लाइड का एंगल है वो 30 डिग्री है ग्राउंड के साथ, मतलब ये जो स्लाइड है ये यहाँ पे 30 डिग्री एंगल आपको बना के दे रही है ग्राउंड के साथ, इसको तो हम मेजर कर सकते हैं, राइट। सो देखिएगा अब आपको फाइंड आउट करना है स्लाइड का हाइट यानी एसी फाइंड आउट करना है, तो आप क्या देखेंगे, आपको ये देखना है कि परपेंडिकुलर में, दिस इज परपेंडिकुलर बिकॉज एंगल यहाँ पे तो बेस ही हो गया, राइट। परपेंडिकुलर में और हाइपोटेन्यूज में आपके पास कौन सा रिलेशन होता है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, उसके अकॉर्डिंग P बाय H मेरे पास क्या है, फर्स्ट रिलेशन होता है दैट इज नोन एज साइन थीटा। सो P फॉर परपेंडिकुलर यानी AB डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ये मेरे पास हो जाता है साइन 30 डिग्री। और पहली हम अगर इसकी बात भी कर रहे हैं तो सेम यहां पे यही प्रॉपर्टी लगेगी, PQ अपॉन PR। सो यहां पे आपके पास AB का वैल्यू क्या है, वैल्यू ऑफ AB इज 1.5 मीटर बाय AC आपको फाइंड आउट करना है इज इक्वल टू साइन 30, साइन 30 का आपके पास वैल्यू होता है 1/2, राइट। अब यहां पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहां से आपके पास AC का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 2 × 1.5 मीटर, जब आप 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3 मीटर, यानी कि इस वाले स्लाइड का लेंथ कितना हो गया आपके पास 3 मीटर हो गया, राइट। सो इसी तरह से जो कि बड़े बच्चों का एक स्लाइड यहां पे बना हुआ है उसमें आप देखेंगे फिर से हम वही रिलेशन लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड दिस एंगल इज गिवन, देखिएगा पढ़ते हैं आगे स्टेटमेंट को क्या गिवन है, वेयर एज द
एल्डर चिल्ड्रन वांट टू हैव अ स्लीप स्लाइड एट 3 मीटर इंक्लिनेशन, हाइट ऑफ 3 मीटर, ये 3 मीटर हाइट है मेरे पास, एंड इंक्लिनेशन इज ऑफ एन एंगल 60 डिग्री, ये जो मेरे पास एंगल है दिस इज 60 डिग्री, राइट। तो इसके पास भी आप, इसमें भी आप वही फर्स्ट वाला रिलेशन लगा दीजिए, बी बाई एच, तो हम क्या लगाएंगे, सॉरी पी बाई एच परपेंडिकुलर पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज पी आर इज इक्वल टू साइन थीटा होता है आपके पास, साइन 60 डिग्री, वैल्यू नेक्स्ट में पुट करेंगे तो अभी साइन थीटा लिख दीजिए, पी क्यू यूर पी क्यू इज कमिंग दिस इज 3 मीटर अपॉन पी आर, पी आर यू हैव टू फाइंड आउट दिस इज द स्लाइड, ये आपके पास स्लाइड है राइट, स्लाइड का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है, पी आर दिस इज राइट डाउन एज इट इज, पी आर इज इक्वल टू दिस इज साइन 60 डिग्री, वट इज द वैल्यू ऑफ साइन 60 डिग्री, अब आपको वैल्यूज तो थोड़ा बहुत माइंड में रखना पड़ेगा ना, 3 मीटर डिवाइडेड बाय पी आर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ साइन 60 इज अंडर रूट 3/2, ओके। सो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो पी आर क्या मिलेगा आपको, देखिए रूट 3 पी आर, यानी कि पी आर इक्वल टू मिल जाएगा 6/√3, राइट, 3 × 2 = 6, और रूट 3 जो इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है उसको बाद में नीचे ले जाएंगे। सो नाउ हमें यहां पे इरेशनल वैल्यू को अंडर रूट में नहीं छोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, 6 को अंडर रूट 3 का रेशनलाइजेशन करेंगे, तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, सॉरी यहां पे रूट 3, सो रूट 3 इंटू रूट 3 आपके पास क्या बन जाएगा, 3, 3 को 2 से कैंसिल कर दो, 6 आ गया, यानी कि 2√3 आपके पास आंसर आ जाएगा, राइट। सो यहां पे आपके पास ये वाली स्लाइड की लेंथ आ रही थी 3 मीटर, और यहां इस वाले स्लाइड की लेंथ आ रही है 2√3 मीटर, ओके। सो दिस इज पी आर यू कैन से, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के लिए। सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहानी गिवन है कि एक टावर है, दिस इज अ टावर, ए बी इज अ टावर, मैंने कंसीडर कर लिया है, राइट। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, फ्रॉम विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, तो दिस इज द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से वो 30 मीटर दूर हमने इस पॉइंट को कंसीडर कर लिया, राइट। दिस सी पॉइंट इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, यानी कि ये जो एंगल बन रहा है दिस इज 30 डिग्री एंगल, राइट, एंड दिस डिस्टेंस इज 30 मीटर, सो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको ए बी हाइट ऑफ द टावर निकालना है, दिस इज योअर हाइट ऑफ टावर, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट। सो सिंपल है, आपको बिगनिंग में बताया गया है कि आपको कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करना है, जो पार्ट आपको फाइंड आउट करना है, और एक जो आपको गिवन है, उन दोनों में आप देख लीजिए कौन सा रिलेशन है। देखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, कि उसके अकॉर्डिंग आपके पास परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा रिलेशन है, आप बताइए। परपेंडिकुलर और बेस, मेरे पास यही रिलेशन है, सीधा रिलेशन है बिल्कुल, एंड दिस यू नो वेरी वेल टेन थीटा, तो लगा दीजिए ए बी बाय, वेरी इजी, ए बी डिवाइड बाय बी सी इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ए बी कितना है, ए बी तो आपको फाइंड आउट करना है, राइट और नोट, ए बी बाय बी सी, बी सी इज 30 मीटर इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा इज 30 डिग्री। नाउ यू शुड नो द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री, व्हाट इज द टेन वैल्यू ऑफ टेन 30 डिग्री, ए बी अपॉन 30 मीटर, द वैल्यू ऑफ टेन 30 इज यू नो वेरी वेल 1/√3। नाउ मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास ए बी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 30 आपका ऊपर चला जाएगा, 30/√3। तो अब ये मैं इस चीज को √3 यानी कि इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं रखूंगा, राइट और नॉट, तो हम क्या करेंगे, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, √3, √3, अब आपके पास क्या होगा, √3 × √3 क्या होगा आपके पास, 3 ओनली, सो 3 से कैंसिल कर दो, 10 आ गया, यानी कि 10√3, द हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर, सो दिस इज 10√3 मीटर आपके पास ये हाइट ऑफ द टावर आ गया, राइट। सो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ यू, एक काइट की कहानी है, देखिए क्या है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर, आप जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट कर लीजिए, राइट, काइट इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एट द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी कि जो स्ट्रिंग है वो आपके ग्राउंड के साथ जो एंगल बना रही है दैट एंगल इज 60 डिग्री, यानी कि आपका काइट कहां है, काइट यहां पे फ्लाई कर रहा है, दिस इज काइट, ओके,
सो यहाँ पे हम इसको, अगर आपने डायग्राम को समझ लिया, समझ लो आपका 80% काम फिनिश हो गया। हम इस ट्रायंगल को मान लेते हैं ए बी सी, राइट एंगल एट बी, हमने इसको कंसीडर कर लिया, दिस इज सी पॉइंट, सी पॉइंट पे आपका काइट है। यू हैव टू फाइंड आउट द दिस हाइट ऑफ द स्ट्रिंग, राइट, इस स्ट्रिंग की हाइट फाइंड करनी है आपको। सो देखिएगा आपके पास यहाँ बी सी जो गिवन है, बी सी आपको गिवन है, ये आपके पास 60 मीटर आपको हाइट गिवन है, एंड दिस एंगल इज गिवन 60 डिग्री, और ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है। तो बाय डिफॉल्ट अगर एंगल यहाँ है तो ये बेस हो गया, वो टेंशन मेरा खत्म हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि आपको फाइंड आउट क्या करना है और गिवन क्या है, उन दो चीजों पे फोकस करिए, उनके बीच में रिलेशन देखिएगा क्या रिलेशन है। तो आपको गिवन तो है हाइट, इन परपेंडिकुलर गिवन है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द, क्या फाइंड आउट करना है, द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, A kite is flying the ground, point of the ground, temporary inclination of string with the ground is this, find the length of the string, आपको string का length find out करना है, mean this is the string, ये आपके पास string है, यानी कि आपको perpendicular और hypotenuse में relation चाहिए। तो perpendicular और hypotenuse में कौन सा relation होता है, पंडरी पदरी प्रसाद हर हर बोले के according मेरे पास perpendicular और hypotenuse में मेरा पहला ही relation होता है, जो कि मुझे sin theta होता है, right or not? So यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले लगाइएगा BC perpendicular अपॉन हाइपोटेन्यूज AC इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास साइन थीटा, राइट और नॉट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज नोन एज साइन थीटा। सो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास BC दैट इज 60 मीटर, एंड AC तो मुझे फाइंड आउट करना है, दिस इज AC इज इक्वल टू साइन थीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा 60 डिग्री, ये आपको सब गिवन है यहाँ पे 60 डिग्री, राइट और नॉट 60 डिग्री। सो यहां से आपके पास क्या रिलेशन बन जाएगा, बाय AC इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ साइन 60 इज अंडर रूट 3/2। इनको लर्न कर लीजिए भाई, वैल्यूज के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना, पर टेबल बनाना सीख लीजिएगा इजिली, आप टेबल कहीं भी जहां क्वेश्चन कर रहे हैं वही रफ कॉलम में एक मिनट में आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो 60 मीटर आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नाउ टेकिंग हियर क्रॉस मल्टीप्लाई, AC अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 60 मीटर इंटू 2 आपके पास क्या हो जाएगा 120 मीटर, यानी कि AC आपके पास हो गया 120 मीटर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3, राइट और नॉट। सो अंडर रूट 3 का मतलब क्या है, अब आपको यहां पे अंडर रूट 3 डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है, तो आपको इसको फिनिश करने के लिए आप क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे इसका 120 मीटर बाय अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 और इंटू अंडर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखिएगा 120 मीटर इंटू 3 इंटू अंडर रूट 3 बाय रूट 3 इंटू रूट 3 आपके पास 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 वन जा और 3 फोर जा कैंसिल हो गया AC, तो फाइनली आपके पास AC का डिस्टेंस कितना आ गया 40√3 आपके पास आ गया 40√3। तो आप आंसर लिखेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3 एंड दैट इज यूनिट इज मीटर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है, अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी कि ये आपके पास है 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यहां से यहां तक पूरा बिल्डिंग है, राइट और नॉट, और ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, यानी कि बॉय की हाइट भी आपको यहां पे गिवन है, करेक्ट। So, हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इसकी लेबलिंग करते हैं, ए दिस आई एम टेकिंग बी एंड दिस सी एंड दिस डी ई एफ एंड जी, राइट। सो यहां पे मुझे इस बिल्डिंग का पूरा हाइट गिवन है और यहां पे आपको इस बॉय की हाइट गिवन है, तो देखिए जो हम लेबलिंग निकालते हैं तो इस बॉय के आई लेवल से हम यहां पे देखेंगे, बॉय के आई लेवल से देखना है, ये आप यहां से एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा लाइक दिस। So, अब हम देख रहे हैं दिस डिस्टेंस वॉज 1.5 मीटर, सो टोटल जो आपके पास 30 थी उसमें से 1.5 मीटर आप कम करेंगे, यानी कि आपके पास इस ट्रायंगल का हाइट कितना हो जाएगा 28.5 मीटर इट विल लेफ्ट अप टू बी, यानी कि ए बी आपके पास, यानी मैं यहां पे लिखूंगा ए जी ए टू जी ए टू जी इट वॉज 30 मीटर, सो ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर माइनस 1.5 मीटर इज इक्वल टू 28.5 मीटर, और डेसिमल रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास 28 बाय
10 आएगा, 5 से कैंसिल कर दो, 5 जा 25, 5 7 जा बाय 2, तो 57 बाय 2 आपके पास ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया 57 बाय 2 अगर मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं, करेक्ट। अब देखिएगा यहां पे कैसे आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है, बट यू हैव टू फाइंड आउट। सबसे पहले हमें जो गिवन वगैरह था उसको हमने ट्रेस आउट किया और अपने पास मार्क कर लिया। अब ये कहता है कि ये जो लड़का है, दिस बॉय इज गोइंग दिस साइड टुवर्ड द बिल्डिंग ही इज गोइंग, तो बिल्डिंग के साइड जब जा रहा है तो पहले इसकी आंख का ये जो एंगल था दिस वॉज 30 degree, राइट और नॉट। और जैसे ही थोड़ी दूर पहुंच गया, आगे जाके जब इसने देखा बाई चांस, तो उसका ये एंगल जो था वो 60 degree हो गया था, राइट और नॉट। सो यू हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस एक्स, बट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय टुवर्ड द बिल्डिंग, और ये डिस्टेंस आप क्या मान लीजिए वाई मान लीजिए, राइट और नॉट। सो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपके पास हो गया एक्स वाई, एक्स प्लस वाई, टोटल डिस्टेंस बिकम एक्स प्लस वाई। ये इतना पार्ट मैंने एक्स माना है, इतना पार्ट मैंने वाई माना है, ये बॉय की हाइट है, टोटल हाइट में से कम कर दी है, राइट। अब आपके पास यहां पे ट्रायंगल बन गए हैं दो, इजीली आप समझ सकते हैं। देखिएगा नाउ इन ट्रायंगल, सबसे पहले आते हैं हम ट्रायंगल ए बी और सी में, इस छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं। अब यहां पे देखिए हमें जो फाइंड आउट करना है, हमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट। सो हम डायरेक्टली यहां से वाई का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और तब एक्स प्लस वाई में से एक्स प्लस वाई का वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगा। एक्स प्लस वाई का वैल्यू में से अगर वाई का वैल्यू मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास एक्स का वैल्यू बच जाएगा, ठीक है। चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। इन ट्राइंगल एबीसी दिस इज परपेंडिकुलर, फाइंड आउट करना है बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, व्हाट इज दिस, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो परपेंडिकुलर बाय बेस आपके पास होता है टेन थीटा, राइट और नॉट। सो ये क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू टेन थीटा। व्हाट इज द ए बी, ए बी वैल्यू ऑफ ए बी इज 57.5, दिस इज 57 by 2, 28.5, ओके। Then by BC, what is the BC? This is Y. You have to find out. That is tan 60 degree. And value of tan 60 is under root 3. Okay. So, ये आपके पास हो जाएगा 57 by 2Y is equal to under root 3. Now, put here 1, taking gross multiplication. तो आपके पास क्या होगा यहां से? Y का value आपके पास आ जाएगा. ये हो जाएगा 2 root 3, 57 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3, राइट और नॉट। 57 डिवाइडेड बाय 2 अंडर रूट 3 ये आपके पास y का वैल्यू आ गया। चलिए अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन में, अब चलते हैं हम ट्रायंगल एडीबी में, बड़े वाले ट्रायंगल में चलते हैं। इन ट्रायंगल एडीबी अब आप क्या करिए, देखिए मैं आपको बताता हूं कि इस वाले साइड को आप भूल जाइए, फॉरवर्ड दिस वन, और इस एंगल को भूल जाओ। अब देखो बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, अब यहां पे बेस आपका पूरा क्या हो गया, एक्स प्लस वाई हो गया, ओके। देखिएगा नाउ इन ट्रायंगल एडीबी परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, एबी बाय बेस बीबी इज इक्वल टू दैट इज टेन थीटा, परपेंडिकुलर बाय बेस टेन थीटा, राइट और नॉट। सो दिस इज 57 बाय 2 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन 30 degree। और हमेशा एक चीज और ध्यान रखें, अगर कहीं स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमेशा ये देखिए, दूर का एंगल छोटा होता है, नजदीक का एंगल बड़ा होता है। ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं जो आप इस चैप्टर में ध्यान में रखें, ओके। और जितना ऊपर से देखेंगे उतना एंगल बड़ा बनेगा, ओके। अब देखिएगा मैं यहां पे छोटी सी बात आपको समझा देता हूं, यहां पे दो पॉइंट हैं, आपको अगर कहीं कंफ्यूजन हो भी जाए, देखिए यहां पे दो पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को यहां से देखा जा रहा है तो हमेशा क्या होगा, दूर का एंगल छोटा होगा, नजदीक का एंगल बड़ा होगा। या वैसे भी आप देख सकते हैं, अगर मैं इसको स्ट्रेट जॉइन करता हूं तो आपके पास क्या बनेगा, अरे हो जाओ भाई सही जॉइन, ठीक है ये बन जाएगा, और ये यहां से पॉइंट आ गया और ये हो गया। तो ये देखो ये आपके पास क्या है, नजदीक का एंगल है और ये दूर का एंगल है। तो किसी एक पॉइंट से देखने पे, अगर किसी एक हाइट से हम देखते हैं दो अलग अलग पॉइंट्स को, तो नजदीक का एंगल हमेशा बड़ा होता है। तो अगर एंगल आपको 30 और 60 दिया है तो आप समझ जाए, तो नजदीक का एंगल था वो 60 था, तो दूर का एंगल था वो 30 था, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत स्टेटमेंट में आपको इससे क्या होता है, आइडिया मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा आपके पास, 57 बाय 2 इंटू एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू, अगर आप इसको x प्लस वाई ना भी पुट करें तो आप ये मान सकते हैं डीबी ओनली, आप डीबी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सो ये हो जाएगा आपके पास 1 बाई अंडर रूट 3। ओके, अब x प्लस वाई का वैल्यू यहां से क्या होगा, टेकिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 57 अंडर रूट 3 बाय 2। ओके, ये आपके पास वैल्यू हो गया x प्लस वाई का। अब x प्लस वाई की वैल्यू में से जो y का वैल्यू माइनस कर देंगे तो आपके पास x का वैल्यू आ जाएगा, राइट और नॉट? सो आप फाइंड आउट करेंगे x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस वाई दिस वन वैल्यू 57 रूट 3 बाय 2 माइनस 57 बाय 2 रूट 3। ओके, ये आपके पास वैल्यू हो गया, माइनस कर देंगे इसको, आंसर आ जाएगा। यहां पे इसको माइनस करने का तरीका देखिए क्या होगा, आप कहेंगे सर इसका एलसीएम लेंगे, आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे भी बेटर ये है कि यहां पे आप क्या करो, ओनली दिस पार्ट में आप रेशनलाइजेशन कर दीजिए अंडर रूट 3 का। ओके, तो क्या होगा आपके पास, यहां अंडर रूट 3 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो देखिए क्या बन रहा है, 57 रूट 3 बाय 2 माइनस 57 अंडर रूट 3 बाय 2 इंटू 3 आपके पास आएगा, रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो जाएगा, तो 3 बन जाए और 3 से कटेगा 19 आ जाएगा, आपके पास आएगा 57 रूट 3 बाय 2 माइनस 19 रूट 3 बाय 2। अब सब कुछ सेम है, डिनोमिनेटर इज सेम, यहां पे रूट 3 सेम, तो ये आपके पास बच गया 38 अंडर रूट 3 बाय 2, एंड दिस इज माई आंसर। दिस मीटर यानी कि इस बच्चे ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 38 अंडर रूट 3 बाय 2 मीटर। अगर आपसे आंसर डेसिमल में पूछा जाता है तो पुट द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3, यू नो वेरी वेल अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.732, पुट करके सोल्व कर दीजिएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 7 इन फ्रंट ऑफ यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, देखिए क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, यानी कि आपके पास क्या है, दिस इज अ ट्रांसमिशन टावर, ये जो है आपके पास दिस इज ये ट्रांसमिशन टावर है, राइट, जो कि एक बिल्डिंग के ऊपर रखा हुआ है एंड हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 20 मीटर। समझ आ गया, यानी बिल्डिंग के ऊपर टावर है और बिल्डिंग की हाइट 20 मीटर है, बट टावर की हाइट मुझे गिवन नहीं है, ये मेरा ट्रांसमिशन टावर है, इतना जो हाइट है, राइट और नॉट? सो इसको आप एक्स कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी कंसीडर कर लीजिए, ना कंसीडर करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और सी एंड दिस इज डी। नाउ आपको ये गिवन है, अब फिर से वही बात आ गई जो आपको मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में डिस्कस की थी, कि दूर का एंगल छोटा होता है, नजदीक का एंगल बड़ा होता है, और यहां पे आपके पास क्या है, दो एंगल हैं, यहां दूर नजदीक वाली बात नहीं है, यहां पे ऊपर से देख रहा है और नीचे से देख रहा है, यहां से अगर यहां देखोगे तो ये एंगल छोटा रहेगा, यहां से यहां देखोगे तो ये एंगल बड़ा रहेगा, यानी कि किसी बिल्डिंग के ऊपर से जितना ऊपर से देखेंगे उतना बड़ा एंगल बनेगा, इसको ध्यान में रखना। तो आपको इससे क्या होता है, कुछ कनेक्टिविटी बन जाती है, कुछ क्वेश्चंस को डायग्राम को समझने में हेल्प मिल जाती है, ठीक है। देखिए अब हम तरीके से आते हैं, सबसे पहले आपको ये गिवन है, दिस एंगल इज 45 एंड 60, सो दिस एंगल इज 45 डिग्री। सो सबसे पहले हम इसी ट्राइंगल में आ जाते हैं, बीसीडी ट्राइंगल में, राइट, इन ट्राइंगल बीसीडी, बीसीडी ट्राइंगल में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगा दो, पहले हम बेस तो निकाल लेते हैं इसका, राइट और नॉट? यानी कि आपके पास क्या होगा, बीसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो पी बाय बी परपेंडिकुलर बाय बेस आपके पास क्या होता है, 10 थीटा, राइट। सो ये आपके पास 10 थीटा हो गया, इज इक्वल टू 10 थीटा। बीसी मेरे पास है जी, बीसी कितना है, 20 मीटर, एंड दिस इज डीसी इज नॉट गिवन, एंड दिस इज 10 45 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ 10 45 डिग्री इज 1, राइट। सो यहां पे आपके पास क्या होगा, 20 मीटर बाय डीसी इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ, डीसी इज इक्वल टू 20 मीटर, राइट और नॉट? और यहां पे थोड़ी सी बात और कहना चाहूंगा कि आइसोसेलिस ट्रायंगल क्या होता है, आप ये बताइए, एक आइसोसेलिस ट्रायंगल ऐसे होता है, अगर आइसोसेलिस राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं मैं,
तो दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, हो गया आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, बिकॉज हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू एनी ऑफ द लेग ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। सो यहां पे आपके पास परपेंडिकुलर और बेस इक्वल हो गया, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल भी 45 और ये एंगल भी 45, तो ये आपके पास आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल ही तो था, मीन बीसी और डीसी आपके पास इक्वल था, क्यों, बिकॉज दिस एंगल इज 90 एंड दिस एंगल इज 45, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज ऑल्सो 45, सो आपके पास ये राइट एंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल था। मुझे डायरेक्ट पता था कि 20 आने वाला है, मुझे डायरेक्ट पता था कि ये जो डिस्टेंस है वो 20 मीटर आने वाला है, ओके, बट हमें इसको सोल्व करके भी दिखाना है, डायरेक्ट नहीं लिखना है आपको, क्लियर। देखिएगा उसके बाद आपके पास क्या है, फिर आप नेक्स्ट वाले ट्रायंगल में आ जाइए, अब आपके पास बेस आ गया है पूरी ट्रायंगल का, नाउ फॉरवर्ड दिस लाइन, फॉरवर्ड दिस लाइन, अब इसको भूल जाएं, और अब बड़े वाले ट्रायंगल जो है ये एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री, जैसे ही यहां से देखते हैं तो एंगल था 45, और जब ऊपर देखा टावर के ऊपर चढ़ के, टावर के बॉटम से देखा तो 45 था, टावर के टॉप से देखा तो 60 था। सो अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल एडीसी, ए डी और सी, बड़े वाले ट्रायंगल में आ जाओ, राइट, एडीसी, सब एडीसी में आप क्या करेंगे, एसी परपेंडिकुलर अपॉन बेस डीसी इज इक्वल टू 10 60 डिग्री, राइट और नॉट, 10 60 होगा, बड़े वाला एंगल लेंगे हम। सो ये क्या है आपके पास, एक्स प्लस 20 बाय 20 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 10 60 इज, वैल्यू ऑफ 10 60 इज अंडर रूट 3 बाय 1 लिखा से, ओके। सो अब आप क्या करेंगे, x इज इक्वल टू क्या होगा, पहले 20 ऊपर मल्टीप्लाई होगा 20 अंडर रूट 3, अब 20 जो राइट में जा रहा है तो माइनस 20, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 20 अंडर रूट 3 माइनस 1, ओके। और अब आप इसको क्या करें, तो यहां से x का वैल्यू आपके पास आ रहा है 20 अंडर रूट 3 माइनस 1, राइट और नॉट, बट अगर आपको आंसर डेसिमल में, फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन कम्स इनटू एमसीक्यूज, तब आप क्या करेंगे, तब आपको यहां पे इसका वैल्यू पुट करना होगा 1.732 माइनस 1, और अब उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको पहले माइनस करिए, x इज इक्वल टू 20 इंटू ये हो जाएगा 0.732, नाउ मल्टीप्लाई, x इक्वल टू क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 0 है डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट्स को लेफ्ट राइट से 3 डिजिट छोड़ते हुए, तो x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 14.64 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर इज 14.64 मीटर, आपके पास करेक्ट आंसर आएगा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। सी क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों को आप एक साथ देखिएगा, दोनों डायग्राम एक साथ बनाइएगा, आपको थोड़ा सा चेंज है इसमें वो समझ आएगा। देखिए यहां पे क्या चेंज है कि प्रीवियस क्वेश्चन में आपको ये वाला डायमेंशन गिवन था और आपको ये वाला फाइंड आउट करना था, ये तो मिसिंग ही था, ये तो दोनों में ही मिसिंग था, इसमें मिसिंग है और उसमें मिसिंग था। यहां पे आपको क्या है, ये डायमेंशन नहीं है, बट दिस हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर जो पिछले क्वेश्चन में था उसको गिवन है, यानी कि यहां पे इसको पेडेस्टल बोल दिया गया, राइट और नॉट, यानी कि ये बिल्डिंग है ऑन द ग्राउंड, ये कह रहा है कि पेडेस्टल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ द पेडेस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन आर रिस्पेक्टिवली 60 एंड 40 डिग्री। सो वेरी फर्स्ट आई विल फाइंड आउट दिस, अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूं तो इसको y मान लेता हूं, तो मेरे पास क्या कंडीशन आ रही है, मुझे चेक करना पड़ेगा, राइट और नॉट। सबसे पहले हम आते हैं सॉल्यूशन को लेके, इन ट्रायंगल पहले छोटे वाले ट्रायंगल में ही देखते हैं, इन ट्रायंगल BDC, इन ट्रायंगल BDC, और थोड़ा सा आप गेस भी करिएगा, दिस इज द राइट एंगल ट्रायंगल एंड वन एंगल इज 45 डिग्री, स्मॉल एंगल 45 डिग्री है इस वाले ट्रायंगल का, सो दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, सो दिस इज इक्वल टू दिस। वैसे एक बार हमने x और y को इक्वल अलग अलग लिया है, बट दे बोथ आर सेम लेंथ, बिकॉज दिस इज 45, दिस इज ऑल्सो 45, राइट और नॉट। सो यहां पे हम इसको प्रूव कर देते हैं, BC परपेंडिकुलर बाय बेस DC इज इक्वल टू tan थीटा, सो ये होगा आपके पास x by y इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, राइट। सो x by y इज इक्वल टू आपके पास हो गया 1, राइट, ये आपके पास 1 आ गया, यानी कि x इज इक्वल टू y हो गया, यानी कि दोनों की वैल्यू आपके पास सेम है, जितना x है उतना ही आपके पास y है, राइट और नो। अब चलते हैं, देखिए इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल बी
ए डी सी राइट, इन ट्राइंगल ए डी सी। उसके बाद देखते हैं हम ट्राइंगल ए डी सी में आते हैं, बड़े से ट्राइंगल ए डी सी। अब बड़े वाले ट्राइंगल में आ जाइए, इनकी छोटे वाले ट्राइंगल को आप भूल जाइएगा राइट, छोटे वाले एंगल का कोई रोल नहीं रहा यहाँ पे। सो ये आपका ग्रेट ट्राइंगल हो गया ओके 60 डिग्री। तो अब आप ट्राइंगल ए डी सी में ही देख रहे हैं, तो यहाँ पे आप फिर से लगाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10 थीटा आपके पास होता है। सो ए सी बाय, दिस इज ए सी बाय डी सी, ए सी बाय डी सी इज इक्वल टू 10 थीटा राइट और नॉट। अब देखिए यहां पे व्हाट इज योर ए सी, ए सी कितना है, ए सी है 1.6 प्लस एक्स आपके पास टोटल हो जाएगा, यानी कि 1.6 प्लस एक्स आपके पास हो जाएगा। एंड दिस इज वाई, दिस इज वाई, एंड यू नो वेरी वेल एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हम इसको फिर से वाई पुट कर सकते हैं, जो हमें फाइंड आउट करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको चेंज कर लेंगे। एंड दिस इज 10 60 डिग्री, एंड नाउ 1.6 प्लस एक्स डिवाइड बाय x, I am changing this y to x, x and y both are same, now 10 60 degree is equal to under root 3/1, now taking cross multiplication आपके पास क्या होगा 1.6 plus x is equal to x under root 3 right। देखिए next step क्या बन जाएगा, अब इसको x को आप right में लेके जाएं, so आपके पास आएगा x under root 3 minus x is equal to 1.6। अब देखिए यहां पे आप क्या करेंगे, x कॉमन निकाल लीजिए, अंडर रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 आपके पास आ गया ठीक है। अब आपकी ये वैल्यू आपके डिनोमिनेटर में चली जाएगी, x इज इक्वल टू क्या होगा 1.6 डिवाइड बाय अंडर रूट 3 माइनस 1। अब क्वेश्चन यहां तक नहीं सॉल्व हुआ है, अभी आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, बिकॉज इरेशनल वैल्यू इज देयर इन द डिनोमिनेटर राइट, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग रैशनलाइजेशन ऑफ दिस अंडर रूट 3 माइनस 1, हमने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया, तो आपके पास क्या होगा 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, तो ये क्या होगा आपके पास 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 बाय 2, दिस इज द आंसर। कुछ बुक्स में ये आंसर भी लिखा होता है, या फिर आप इसको कैंसिल कर दीजिए, इट विल बिकम 0.8 ऑल्सो। So, x आपके पास क्या हो जाएगा 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा राइट, दिस इज प्लस 1, ये आपका दिस मीटर इज द वैल्यू ऑफ x राइट। क्या पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, तो आपको ये हाइट निकालनी थी, ये आपकी हाइट आ गई ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के लिए।